to my channel, The Boss Man, and it's me, Vidisha Roy. Department of Consumer Affairs ne latest updates kiye hai 29 December ko, The Consumer Protection Direct Setting Rules 2021, जिसके तहत कुल 13 नियम फॉलो करने पड़ेंगे. इसका PDF फाइल व्यू करते हैं. पहले ही हिंदी में लिखा गया है और पेज नंबर 9 से इंग्लिश में. सो पहले रूल्स के तहत अगर बोला जाए तो सेक्शन 101 एंड सेक्शन 94 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा ये रूल्स सारे जारी किए गए हैं. इनमें से पहले नंबर पे है इसका टाइटल. ये रूल्स जाना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेटिंग रूल्स 2021 जो इधर दिखाया गया है. सेकंड नंबर जो है वो है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का मतलब ये रूल्स ये जारी हो रहा है जितने भी सामान है जो सर्विस लाया जाएगा या बेचा जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, उनके ऊपर सारे डायरेक्ट सेलिंग के जो मॉडल्स हैं बेचने के या ख़रीदने के तरीके, और इनके सारे जो भी एंटिटीज मतलब कंपनीज जो ये ऑफर कर रहे गुड्स इंडिया में, उसके तहत ये सारा एप्लीकेशन हर चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग बोले तो हर कंपनी के ऊपर ये लागू हुआ है. फिर इसके बाद इधर नंबर 3 पे बताया गया डेफिनेशंस, मतलब एक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलर कौन है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब क्या है, ये एवरीथिंग या मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या है, ये सब कुछ इधर अच्छे से बताया गया है. फिर नंबर 4 पे आता है मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये चौथा है, जहाँ पर जितने भी सारे रिकॉर्ड है जैसे सर्टिफिकेट्स या कोई भी आर्टिकल या जैसे पैन नंबर या टैक्स के जो अकाउंट नंबर है, ये सारा कुछ दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट. फिर 5 नंबर पे देखा जाए तो ऑब्लिगेटरी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका मतलब इसके जो कंपनी है जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है वो ये जो एक्ट्स है ये सब कुछ रजिस्टर्ड फ्रेम पार्टनरशिप सब कुछ गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, ये रूल्स है. और मिनिमम ऑफ 1 फिजिकल लोकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया, कुछ कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के कोई लोकेशंस नहीं होते तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट इंडिया में एक होना चाहिए, यही इधर बताया गया. और एक चीज़ बताया गया नंबर सी पे, मतलब नंबर 5 के जो नंबर सी वाले ऑप्शन पे ये बताया गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन, कि ये सारे रूल्स जो है ये कोई पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन जो चेन सिस्टम बिजनेस होता है ना उसमें डाउनलाइन को कोई हेल्प नहीं मिलता लेकिन अपलाइन को हमेशा प्रॉफिट होता रहता है, तो उसके तहत कोई अगर कंपनीज है तो ये बताना पड़ेगा कि वो लोग ऐसा स्कीम कोई नहीं चलाते. फिर इसका ये सारे एक्सप्लेनेशंस है जो सही से हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है. फिर आते हैं 12 नंबर पे, कोई अनफेयर तरीके से कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई बिजनेस या फोर्स नहीं करेगा किसी को ज्वाइनिंग के लिए, ये सब कुछ इधर बताया गया है. मैं डायरेक्ट नीचे चली जाती हूँ. ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर, इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी को ही बोला जा रहा है, इसमें ये भी डायरेक्शन दिया है कि जो भी डायरेक्ट सेलर कंपनी में काम करते हैं तो उन लोगों को भी कुछ सारे चीज़ें हैं जो मान के चलना पड़ेगा, जैसे हैव अ प्रियर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी for undertaking scale of or offer to sell any goods or service of such entity. उनको ये नियम देख के चलना पड़ेगा कि वो सारा कुछ राइट है उनके पास कि वो ये सामान बेच सके, जो भी सामान सेल्स के लिए रहते हैं. बी इन ऑप्शन पे ये दिया है कि वो जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या नेचर ऑफ द गुड्स जो भी वो बेचते हैं वो उनके हिसाब से वो सच है, क्लियर है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से आइडेंटिटी जो है कहते ना आइडेंटिफाई हिमसेल्फ डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द, ऐसा नहीं कि छुपा कर बहुत सारे अनक्लियर तरीके से वो बेचे थे सामान, बट हर चीज़ होना चाहिए. फिर बताया गया मेक एन ऑफर टू प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक्यूरेट हो
इम्प्रोमेटिव वो डेमोन्स्ट्रेशन जो भी मतलब गुड्स है, सामान, उसका दाम या क्रेडिट टर्म्स, उसका पेमेंट, एवरीथिंग सब कुछ सही से हो और गारंटी के साथ, रिटर्न पॉलिसी, ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी हो। फिर और एक ऑप्शन है, दैट डायरेक्ट सेलर शैल नॉट, मतलब एक डायरेक्ट सेलर को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी बताया गया है, जैसे विजिट कंज्यूमर प्रीमिसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रियोर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल, किसी के घर कस्टमर के विदाउट आइडेंटिटी कार्ड कि हाँ वो एजेंट है या नहीं है, ये सब कुछ बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे ही धड़ाम से ना जाए। प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू ए प्रोस्पेक्ट विच इज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब खुद से कुछ भी ऐसा कुछ अनाथ शनाथ ना पके जो कंपनी के तहत ना दिया गया हो। रिक्वायर्ड प्रोस्पेक्ट टू परचेस एनी लिटरेचर और सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। 7 नंबर पर यह है कि ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर, ये क्या क्या ड्यूटीज़ है वो फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी तरीके का मिसलीडिंग या अनफेयर ट्रेड या प्रैक्टिसेस के द्वारा ना किया जाए, और 8 नंबर, पर्सन्स नॉट टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पर्सन्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग्स में जिस मतलब नो पर्सन शुड बी कन्विंस ऑफ बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स पीरियड ऑफ हिज एसोसिएशन विद द बिजनेस, और पर्सन आंसर माइंड शैल बी एंगेज विद द बिजनेस, जो भी इंसान दिमागी हालत से या ठीक नहीं है उन लोगों को फोर्सफुली ऐसा डायरेक्ट सेलिंग्स में ना दिया जाए। एक्सप्लेनेशन भी इधर कर दिया कि इसका मतलब क्या है। और 9 नंबर जो है, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स रूल्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं, जो जो रूल्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए दिए गए हैं और एक्ट्स बोले गए हैं। नंबर 10 पे प्रोविजन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, ये दोबारा से उन लोगों ने सही से बताया है। 11 नंबर पे मॉनिटरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ पर ध्यान रखेगी, देखता जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है। और इनकन्सिस्टेंस इन लॉस, जिसमें ये बोले कि इनकन्सिस्टेंट मतलब रूल्स एटलीस्ट सबको सही से फॉलो करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई करेगा तो कोई नहीं करेगा। फिर कंट्रोवर्शन ऑफ रूल्स, मतलब ये मैंडेटरी है, ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई फॉर एनी कंसर्वेशन ऑफ द रूल्स, हर किसी के लिए ये रूल्स सेम है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए। और ये रीऑथरी के सिग्नेचर, और ये जो था गैजेट ऑफ इंडिया का बड़ा पीडीएफ था। आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिए गए हैं, और कोई भी गलत फहमी जो लोग हो रहा था कि MLM ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, MLM हमेशा रहेगा, क्योंकि 50% जो है वो इंडियन औरतें लोगों तरह काम कर रहे हैं। MLM बैन नहीं हो पर अब बस कुछ रूल्स जो नियम है वो जारी किए गए, जो आपको बहुत सही से मानना पड़ेगा। और ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन जी तो जबकि बोला गया है, तो इससे अच्छा होगा कि कंज्यूमर्स है वो ठगेंगे नहीं, वो सही से काम कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।